दरिया के कंढे इकट्ठे हो रोस जाहिर कर रहे लोग। ये सूबे की कांग्रेस सरकार के नाल नाल केंद्र सरकार ते 2.5 किलो के हाथ वाले सन्नी दियोल का भी मुर्दाबाद कर रहे ने। हुण तुसी इस दरिया ते बन्ने हुए इस पुल ते एक झात मारो। अज तक इस दे कदी भाग ही नहीं खुले, जां फिर इंज कह दईए कि चोणां दे दौरान लंबियां लंबियां छड्डण वाले सियासी लीडरां दी इस ते नज़रसानी ही नहीं हुई। गुरदासपुर दे विधान सभा हलका दीनानगर दे मकौड़ा पत्तन रावी दरिया तो पार वसदे 7 पिंडां दे लोकां ने इस वार चोणां दा बाइकाट करन दा ऐलान कीता। रावी दरिया तो पार वसदे 7 पिंडां दे लोकां ने कहा है कि मकौड़ा पत्तन रावी दरिया ते पक्का पुल ना बनन करके लोकां नूं काफ़ी समस्यावां दा सामना करना पै रहा है। अज पुल की हालत खस्ता होने कारण उन्हां दी गन्ने की फसल मिलां तक नहीं पहुँच रही। उन्हां कहा कि चोणां दे दौरान हर एक सियासी पार्टी वल्लों इस पुल नूं बनाउण दे वड्डे वड्डे दावे कीते जांदे ने, पर अजे तक इस पुल नूं किसे ने नहीं बनवाया, जिस करके उन्हां ने मजबूरी वस विधान सभा चोणां दा बाइकाट करन दा ऐलान कीता। उन्हां कहा कि पार वस दे 7 पिंडां दे लोक किसी भी सियासी पार्टी नूं हुण वोट नहीं पाउणगे। 75 साल तो साडे नाल इह लारा लाउंदे आउंदे आ कि तुहाडा इह पक्का पुल बना देंगे। जदों पिछली MP दी इलैक्शन होई आ ते इन्हां ने मनप्रीत बादल जिहड़ा कि खजाना मंत्री आ इस वेले, इस मंत्री ने इत्थे आ के सानू इह कहा सीगा कि मैं 80 करोड़ रुपया तुहाडे पुल दा जिहड़ा उह रख्या बजट दे विच। अगले इलैक्शन दे विच जिहड़ी आ इलैक्शन हुण इस वेले सिर ते खड़ी आ कि इस इलैक्शन के जो मैं तुहाडे को वोट लैन आऊँगा तो मैं उस पुल तो लंघ के आऊँगा। उस तो बाद 3-4 महीने पहला जिहड़ी साडी इत्थे विधायक और मंत्री भी आ अरुणा चौधरी, इन्हें मीडिया दे विच गल कही सी कि सेंटर ने इस प्रोजैक्ट नूं पक्के पुल नूं पास करता, उहदा पैसा 100 करोड़ रुपया सानू मिल गया। बहुत जल्दी इलैक्शन तो पहला पहला मैं इस पुल का उद्घाटन जिहड़ा काम की शुरुआत वह करा देनी आ। हुण इलैक्शन बिल्कुल सिर ते आ गई आ, इन्हां ने इत्थे 1% भी कोई काम नहीं किया। पुल भी साडा डकाता, जिहड़ा साडा RG पुल आ उहदे फट्टे बिल्कुल टुट चुके आ, गन्ना साडा सुकदा पिया। इस करके मैं तुहाडे मीडिया राहीं यह बेनती करना चाहुंदा इन्हां सरकारां नूं कि सरकार हुण असीं जाग चुके हाँ, असीं हुण मतलब तुहानूं तुहाडियां झूठियां गल्लां दे विच लारिया च नहीं आउण वाले। असीं इस वार बिल्कुल मुकम्मल बाइकाट करांगे, तुहानूं असीं इस इलाके विच वन तक नहीं देवांगे, असीं इह तिन्नां बूथां दे उत्ते एक भी वोट पोल नहीं करांगे। तो सरकार जो साडा काम नहीं कर रही तो फिर इत्थे आउण दा तां सरकारां नूं कोई फायदा नहीं ना हैगा। तो फिर इस करके असी तां इस बार पूरा मन बनाया कि असी बाइकाट करांगे, इह सरकारां नूं इत्थों इदां नकार के कढांगे ना भी जिदा भी कदों आया पानी चो चूहा नहीं कढ के कढ़ी दा, इदां इत्थों कुट के कढांगे इहनां नूं, इहनां नूं इह तां वण नहीं देंगे इत्थे। इन्ना का साडा जिहड़ा आ असी नहीं वोटां जी, बिल्कुल बाइकाट, बिल्कुल ही बाइकाट होएगा सारियां पार्टियां दा, बिल्कुल सेंटर दा, पंजाब सरकार दा, कोई भी इत्थे नुमाइंदा इत्थे वण नहीं देंगे असी। मनाउणे ते मनाउण दा की फायदा जी, देखो 5 साल तां इत्थे कोई वड़िया नहीं, हुण मनाउण दा इत्थे की फायदा है दसो। मनाउण दा तां फायदा हुंदा तां जे वोटां तो पहलां आंदे ते चोण जाब्ते तो पहलां आंदे तां आण के उहनां नूं असी अपने दस दे भी साडा इत्थे आण के काम की कीता जां नहीं कीता, है ना, सानूं पुछ दे। 5 साल वजीर कहदे वास्ते बनाउंदे आ, इसे चीज़ करके तो वजीर बनाउंदे ना, प्रजा का उही हुंदा ना भी सारे का ख्याल रखना, जो ख्याल ही कोई नहीं। हाँ देखो जी, मैं देखो पहला मेरी गल सुनो, असी यही कह रहे हैं कि 1947 आज़ाद होया सीगा देश, आज़ाद होया सी साडा तां 22 चल पिया, 2022 चल पिया, असी फिर भी गुलाम हाँ, इसे सरकारां दे करके गुलाम। सारियां मुश्किलां ने सानूं बोलदे मुश्किल है, हर चीज़ मुश्किल है। बच्चे पढ़न जांदे तां खज्जल होंदे बेचारे, कोई साधन नहीं सानूं लभदा, त्रीए दिन पुल रुढ़ी जांदा, तीए दिन पुल रुढ़ी जांदा, फसलां साडियां थां थां बर्बाद होई करदियां ने, हर कल दी प्रॉब्लम ने सानूं। हुण चोणां दा बाइकाट करके, ओह तो अहीं बाइकाट आ हुण चोणां दा, बिल्कुल बाइकाट, वोट नहीं पाना, डब्बे खाली जाणगे, कारोबार है, कोई भी साडा काम ओहो जिहा कोई नहीं, साडा सिरे चढ़े करदा ना, सानू पोलदी है ना कोई है, सानू वादे बड़े करके जांदे आ पर पूरा कोई नहीं करदा, मीडिया वाले सारे आंदे आ पर पूरा कोई नहीं करके जांदा।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਪੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ 70-75 ਸਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ਼, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾਤੀ ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਟਰੈਲੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਵੱਖਰੇ ਟਰੈਲੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਯਾਰ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਪੁਲ ਸਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਇਹਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਓਵਰਲੋਡ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੰਨਾ ਲੋਡ ਓਵਰਲੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫੱਟੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ 5 ਟਨ ਹੈ, 10 ਟਨ ਤੱਕ ਲੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫੁੱਲ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਫੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਦਲ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲੀਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਦਲਿਆ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਸਰ ਬਦਲ ਤੇ ਫੱਟੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੁਣੇ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ 10 ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੀ, 5 ਟਨ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪੁੱਲ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਭੇਜਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਜਾਨਕੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨਾਲ 98151-19254, ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਖੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਰੁੱਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਔਲਾਦ ਸੁੱਖ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਗੈਟ ਐਕਸ ਲਵ ਬੈਕ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਜਾਨਕੀ ਦੇਵੀ, 98151-19736।